आया था, सुबह सुबह आया था स्प्रे करने, कुछ काम नहीं है। पूरा शमशान घाट, इसको हमने स्कूल टाइम में जब छोटे थे तब कई बार उखाड़ के फेंका। हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, दिस साइड टॉनिक। चलो वीडियो शुरू करते हैं, नए दिन के साथ नया ब्लॉग। तो आज मैं आया था, सुबह सुबह आया था स्प्रे करने, स्प्रे तो फारिक हो चुका है, पाइप छोड़ दिया मैंने ऊपर जगोत के पास। एंड अब आया हूँ मैं मशीन लेने, तो आधा एक घंटे का काम है यहाँ पे, फिर पता नहीं क्या काम है, इसके बाद अपडेट में बताऊँगा क्या काम है अगले। फिलहाल मुझे मशीन ले जाना है, उसके बाद पार जाऊँगा घर। अगर कुछ काम नहीं होगा तो अपना काम करूँगा, अपना स्प्रे करने को भी है, क्योंकि जब मैं सोलन गया था तो 3-4 दिन कंटिन्यू और ले आए हैं। ये देख सकते पार आप, ये है ड्यूटी का एरिया, ऊपर का मेरे को पता नहीं, पर ड्यूटी का एरिया। और इस साइड है बर शेरगुली, ये हो गया बीजा का एरिया। पिछली बार जाली लगाने आए थे हम, न्यू नहीं बनाया। सोलन ब्लॉक का पार्ट 2 भी डालने वाला था, पर मेरा मोबाइल टूट गया था, कॉम्बो टूट गया था, तो कॉम्बो नया डाला तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब ठीक ठाक लग रहा है स्क्रीन, तो वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं ये कॉम्बो कितना चलता है। उसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि कॉम्बो डाला है तो ज़्यादा नहीं चलता, उसी का डर है। पर फिलहाल जब तक चलेगा वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। ये है रायरमोल माता का मंदिर, और ये पार पूरा गांधर एरिया, वहाँ से नीचे है डूबा का एरिया। काम को ख़त्म करके अब जा रहा हूँ मैं घर के लिए। यह है रास्ता पीछे, और पीछे यहीं पर है शमशान घाट, और जा रहा हूँ घर, कुछ काम नहीं है, जाएंगे और लंबे पड़ जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। ये रहा है शमशान घाट, ये है पुराना पुल, हम इसी पुल से पहले जब शेरगुली जाते थे इसी पुल से जाते थे, इसको खाड़ी का नाला बोलते हैं, है? जो लोकल है उनको तो पता है, जो लोकल नहीं उनके लिए बता दो खाड़ी का नाला ऊपर से जाता है। मुझे जाना है यहाँ से ऊपर, और यहाँ से भी जाता है पर गांव के लिए रास्ता, दो रास्ते हैं। ये रहा पुराना हमारा शिरगुली जाने वाला रास्ता ऊपर वाला। अब तो ये छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े हो गए पेड़ देवदार के, रास्ता में भी झाड़ियाँ लग गई है। पहले यहीं से जाते थे शिरगुली के लिए, वो ऊपर से रास्ता आता है, एक रास्ता नीचे है, दिखाता हूँ वो आपको, वहाँ जो रोड जैसा दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का, पहले रोड नहीं था अब रोड आ गया है वहाँ पे। ये जो सीढ़ी जैसा दिख रहा है बाढ़ वाला सीढ़ी, इसको हमने स्कूल टाइम में जब छोटे थे तब कई बार उखाड़ के फेंका, क्योंकि यहाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी। और यहाँ से जाना मेरे ऊपर घर के लिए, जैसे जो भी है स्कूल टाइम में बहुत मज़े थे, अब वैसे मज़े नहीं है, अब काम करना पड़ता कुछ ना कुछ काम करना। अगर ड्यूटी में होता तो मैं होटल लाइन में भी सही तब वहाँ भी काम कर रहा था, पर स्कूल टाइम जैसा मज़ा नहीं होता, तो घर में भी वैसे मज़े नहीं है। काम करो, काम तो करना पड़ता है, जहाँ भी जाओ अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से, पैसा नहीं होगा तो मज़े कहाँ से करोगे, घूमोगे फिरोगे कैसे। पहुँच गया मैं घर के पास, वो पार कटाने से आते वहाँ से यहाँ, तो पार से आने के बाद मैंने खाना पीना किया, ये वो किया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा मोबाइल खोजा वो किया। तो अभी 2 बजे हैं, 2 बजे मैं खेत के लिए आया था मटर देखने के लिए। मटर ठीक ही है, जितने लगे थे उनमें फलियाँ लगनी शुरू हो गई है, उड़ान करने को आ जाएगा, फिर उड़ान करना होगा, बाकी जालियाँ तो लगी है थोड़े बहुत, मटर तो बच जाएंगे, वो ले आ रहे हैं, बाकी आपको मैं ओले का असर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग रेड स्पॉट, ओले के निशान, यहाँ पे जालियाँ नहीं है, जाली इस साइड है, ये देख सकते हैं जहाँ पे जालियाँ है वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देख सकते हैं जाली के अंदर से मैं देखो कोई भी दाग धब्बा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश साफ सेब है। अभी इस बार सेब की फसल काफ़ी अच्छी है, हर जगह लगभग जितने भी जगह पे, हर जगह पे अच्छी सेब है, अच्छी फसल लगी है। बाकी इस बार मटर के बुरे हाल हुए हैं, लगभग शायद हर जगह तो नहीं हुए, हमारे बहुत हो गए, बाकी जगह तो ठीक ठाक ही है,
तो फिर भी जितना भी आएगा मटर आ जाएगा, अपने 20 का कॉस्ट तो निकल ही जाएगा, 20 का मशीन का, ये वो कुछ बचे ना। फिर भी मटर में फलियाँ तो बढ़िया लगी है, काफ़ी ठीक ही लगा है, उतना ख़राब नहीं है। जहाँ जहाँ पे तो मटर लगे वहाँ तो बढ़िया, बाकी कई जगह खाली है वहाँ पे तो कहाँ से होना, पर मटर अच्छा है, पर सूखे ने मार दिया इस बार। बाकी मैंने बीच बीच में जो राजमा लगाए थे वो भी ज़मीन से ऊपर आना शुरू हो गए, उगना शुरू हो गया, तो राजमा की कोई कमी नहीं होगी शायद है। और साथ में मक्की भी लगा रखी है, तो सर मक्की और राजमा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है उनके लिए, और सेफ सीजन के टाइम मक्की भून के खाने में मज़ा आएगा। इस बार चोर नहीं पड़ेगा बाकी दूसरों का। ये देख सकते हो मटर भी इतना असर हो चुका है, सफ़ेद कर दिया जो जहाँ पे ओला लगा है। बाकी जाली के नीचे तो काफ़ी अच्छा है, बाकी रेट किस्मत की बात है, रेट कभी ऊपर होता है कभी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया दिल से। आप लोग सब्सक्राइबर है नहीं है फिर भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो जितने भी व्यूज़ आते हैं जितना भी आप लोग देखते हैं उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।